नमस्ते, सत श्री अकाल। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सज्जाद अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सज्जाद अली बिदर। तो अभी आप जो देख रहे हैं ये नज़ारा है कर्नाटका और तेलंगाना की बॉर्डर पे, बीच में जो भी यहां पर आपको दिखा रहा हूं कुदरती नेचुरली ब्यूटी, कुदरती माहौल। यहां पर आप देख सकते हैं बड़े बड़े चट्टान में जिस पर खड़ा हुआ हूँ, आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े चट्टान हैं। आप हमारे वीडियो पर बने रहिए, मैं आपको यहाँ पर बड़ी सी दरार भी दिखाऊँगा जो चट्टान के बीच में, दो चट्टानों के दरमियान बनी हुई शेर की गार है। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल पहाड़ है और नेचुरली एकदम पेड़ पौधे हैं। अभी मैं हूँ हज़रत सिद्दीक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह सरकार की दरगाह शरीफ के पीछे वाली जिस पहाड़ी में, क्योंकि जगह इतनी ब्यूटीफुल है कि व्लॉग में मुझे इसको भी अपने आप को लेने से रोक नहीं पाया। चलिए मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। मैं अभी हूँ कर्नाटका और तेलंगाना के बॉर्डर पर। मैं जिस पहाड़ पर खड़ा हुआ हूँ, ये जो ऊंचाई का इलाका है ये पूरा का पूरा कर्नाटका है। और वहाँ पर आप जो नीचे आपको फॉरेस्ट और आगे जो बिल्डिंग्स आपको दिखाई दे रही है वो है तेलंगाना, जहीराबाद और बुशनली। ये है चिंतलगिरी और मनहली, यानी कि कर्नाटका और तेलंगाना बॉर्डर। सो गाइस ये है नेचुरली ब्यूटी, आप देख सकते हैं कितने बड़े एकदम से पहाड़ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से एकदम खाई है, एकदम उसके आगे फॉरेस्ट है और यहाँ पर बड़े बड़े खार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और मैंने आपको दरगाह शरीफ का जो ब्लॉग में बताया था कि गार कितनी बड़ी है, और ये भी गार आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है। अभी मैं आपको गार और इन चट्टानों के बीच की दरार आपको मैं दिखाना जा रहा हूँ। आप देखे होंगे शायद इतने बड़े बड़े चट्टान कहीं, आप देख सकते हैं कितनी ख़तरनाक यहाँ पर दरार आपको दिखा रहा हूँ मैं दो चट्टानों के बीच में। ओ भाई ये आप देख सकते हैं कितनी ख़तरनाक शेर की गार है, एकदम इस तरह से रखती है जैसे कोई शेर की गार है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर बहुत ही अंदर तक यहाँ पर कुछ भी हो सकता है एनिमल्स, इसीलिए मैं ज़रा सा सेफ्टी से ज़रा सा दूर से ले रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ख़तरनाक खाई है, ये शेर की गार है, मैं आपको बता रहा हूँ शेर की गार। ये है शेर की गार, आप देख सकते हैं किस कदर कितनी बड़ी और ज़बरदस्त चट्टान के बीच में ये मौजूद है। ये पेड़ जब हवा से हर रहा था मैं ढस और एकदम डर गया, क्योंकि एकदम एनिमल की तरह दिखा, मुझे कुछ जो हरकत कर रहा है अंदर, यानी कि हिल उड़ रहा है क्या है बोलकर डर गया मैं एकदम से। देख सकते हैं पेड़ किस तरह से ये डांस कर रहा है अंदर, यानी कि हवा की टकराव से खिल उड़ रहा है। और इसकी चट्टान आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, इसकी चट्टान ये चट्टान का मुंह है, यानी कि यहाँ से अंदर जाने की एंट्री है चट्टान में। आप देख सकते हैं यहाँ से, आप देख सकते हैं यहाँ पर चट्टान के यहाँ पर, और वहाँ पर भी एक और चट्टान आप देख सकते हैं वहाँ पर भी। ऐसे काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर दरारें हैं और ये चट्टान काफ़ी कदीमी और ज़मानेदार, यानी कि बहुत ही पुरानी चट्टान है, जिसका जो रेड स्टोन है, यानी कि ब्लैक स्टोन नहीं है, रेड स्टोन है, फिर भी ये बारिश तुपकाला और मौसम की मार से, मौसम के तहाड़ से इसका रंग जो है ब्लैक हो चुका है। असल में रियली में लाल पत्थर है, इसको थोड़ा सा फोड़ेंगे तो हम आपको दिखाई देगा आपको ये लाल पत्थर है। इसके जो सतह है ऊपर की जो ये है ये पूरी तरह से ब्लैक इसलिए होगी कि ज़मानों से पता नहीं कितने सौ साल हो गए या फिर हज़ार साल हो गए, यानी कितने साल हो गए होंगे कि ये बारिश और धूप के, यानी कि मौसम की मार खाते खाते ये ब्लैक कलर में आ गए हैं। यानी कि रियली में तो ये स्टोन रेड स्टोन है, ब्लैक स्टोन बिल्कुल भी नहीं है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि कितना ब्यूटीफुल प्लेस है, कितना खूबसूरत नज़ारा यहाँ से दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी बड़े पहाड़ जो थे उसको GCP लगा कर यहाँ पर से, यहाँ से मट्टी निकालने की वजह से पूरी तरह से खाली किया गया है, नहीं तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा घना फॉरेस्ट है और ज़्यादा पब्लिक, यानी कि ज़्यादा से पेड़ पौधे थे जो इंसानों ने काट दिए यहाँ पर। और आप देख सकते हैं ये कदीमी तौर पर, यानी कि पुराने नेचुरली बड़े बड़े दरार आप देख सकते हैं किस तरह से ये दरार है ऐसे बड़े बड़े चट्टानों पर। इसको कहते हैं कुदरत ब्यूटी, यानी देख सकते हैं बेहद खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर। आप देख सकते हैं किस कदर कितना खूबसूरत ये नज़ारा दिखाई दे रहा है कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पेड़ पौधे, जंगल और खेत खलियान, आप देख सकते हैं एकदम नेचर। यहाँ पर ताज़ी सी हवा आती है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ है, बिलखसूस नीम के पेड़ ज़्यादा हैं यहाँ पर, जो वाटर यानी कि जो हवा को बहुत ही अच्छी तरह से फ़िल्टर कर देती है।
तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर। कहाँ तक देखें, वहाँ तक आपको दक्कन का इलाका, यानी कि इसको कहते हैं जैसे कि दक्कन का एरिया, अब बिलखसूस इसलिए मशहूर है कि यहाँ पर लेवल प्लेट, यहाँ पर जहाँ तक भी ज़मीन आप देखोगे पूरी एक लेवल दिखाई देगी, और इक्का दुक्का यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े चट्टान और पहाड़ दिखाई देंगे। तो ये था प्लेस, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा। अभी आप देख रहे थे कर्नाटका और तेलंगाना बॉर्डर। और यहाँ पर एक और मैं आपको एक अच्छी सी बात बता दूँ, ये जो है रेड स्टोन है यहाँ पर, यानी कि लाल पत्थर की ज़मीन है। यहाँ पर रोड या बेड डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे भी ज़्यादा और आला नस्ल की यहाँ पर क्या बोलते हैं ज़मीन सख्त है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रोड बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, कुदरती रोड है ऑटोमेटिकली। आप देख सकते हैं कि पत्थर किस तरह से यहाँ पर चिकने हो गए हैं गाड़ी चलते हुए, एक रेडीमेड यहाँ पर रोड आप कह सकते हैं कि किस कदर ये रेड स्टोन की ज़बरदस्ती बनी हुई है। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को ऑल कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। हम आपसे मिलेंगे नई जगह नए वीडियो पर, हमारे साथ बने रहें। हम आपसे अपना ख्याल रखिए, अपना प्यार भरा कमेंट ज़रूर कीजिए।